हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे सूजी के स्वादिष्ट लड्डू बनाने की आसान और घरेलू रेसिपी। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, मिठाई का नाम सुनते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। मीठा खाना हर किसी को पसंद है। कोई भी त्यौहार हो या फिर शादी ब्याह, बर्थडे हो या फिर घर में कोई और फंक्शन, बिना मिठाई के किसी भी कार्य को नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी बिना मिठाई के अधूरी रह जाती है। और दोस्तों, वैसे तो मिठाइयाँ सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन मिठाइयों में लड्डू लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है और सबसे ज़्यादा सेवन भी लड्डू का ही किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो लड्डू बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सूजी के लड्डू, जिसे रवे के लड्डू भी कहा जाता है, उसे बनाने की बेहद ही आसान रेसिपी। और साथियों, जो रेसिपी हम आपको बताएंगे वो इतनी आसान और जल्दी से बन जाती है कि आप इस वीडियो को देखते देखते ही बना देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं सूजी के लड्डू बनाने की विधि। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सूजी के लड्डू बनाने में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी कितनी मात्रा में हमें चाहिए होंगी। साथियों, सबसे पहले सूजी लेंगे 500 ग्राम, देसी घी 300 ग्राम, आप चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसे 400 ग्राम भी कर सकते हैं, शक्कर 400 ग्राम, किशमिश 20 से 25, 15 से 20 बादाम कटे हुए और 15 से 20 काजू कटे हुए, आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा सूखा नारियल और थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे बनाने हैं सूजी के स्वादिष्ट लड्डू। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर इसमें काजू बादाम डालकर उन्हें थोड़ा रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें किशमिश भी डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें सूजी भी डालेंगे और साथ ही सूजी डालने के बाद हमें इसको चलाते रहना है और थोड़ी देर तक इसे भूनना है। और सूजी को तब तक भूनना है जब तक इसका रंग हल्का ब्राउन ना हो जाए, और ऐसा होने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। तो 10 मिनट तक आप इसे हल्की हल्की आंच पर भूनते रहें। 10 मिनट बाद जब आपको लगे कि सूजी का कलर हल्का ब्राउन हो गया है तो इसमें बचा हुआ घी भी डाल दें। अब थोड़ी देर इसे और भूनें, लगभग 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद इसमें सूखा नारियल डालें और फिर इसे 2-3 मिनट तक और भूनें। उसके बाद इसमें शक्कर डालें और फिर इलायची पाउडर भी मिला दें। अब इस सारे मिश्रण को एक बार अच्छी तरह से मिला दें और गैस बंद कर दें। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लें और थोड़ी देर ठंडा होने दें। साथियों, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि ये पूरा ठंडा ना हो पाए, वरना लड्डू अच्छे नहीं बन पाएंगे। साथियों, अब इस मिश्रण में बहुत हल्का सा दूध मिलाएं, जिससे लड्डू बनाने में आसानी हो जाए, लेकिन ध्यान रहे दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर थोड़े थोड़े इस मिश्रण को हाथ में लेकर ब्लाइंड करें और उसके बाद आपके सूजी के स्वादिष्ट लड्डू तैयार हैं। अब इनको आप किसी साफ़ सुथरे बर्तन में रखें और जब आपका लड्डू खाने का मन करे तब आप इनका सेवन करें। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया सूजी के स्वादिष्ट लड्डू बनाने की आसान रेसिपी। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही रेसिपीज हम आपके लिए आगे और भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।